ठीक है एंड ऑप्टिक्स हो गया है हमारा फिर हमारा फोर्स फोर्स लॉज ऑफ मोशन हो गया अपना लॉज ऑफ मोशन हो गया है फिर उसके बाद हमने वर्क डन और फिर पावर ठीक है और एनर्जी एनर्जी भी कर लिया है एनर्जी में वी हैव स्टडीड पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ठीक है सो ये भी हो गया और सम चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री भी मैंने करवा दी है सो so इस प्लेलिस्ट में ये जो प्लेलिस्ट है इसमें आपको सारी चीज़ मिल जाएगी जो साइंस की है साइंस में मतलब जो बायो बायो uh, तो बाद में मिलेगा खैर प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री इन अ शफल्ड वे सो दैट इफ यू आर वाचिंग ऑल द वीडियोस एट वंस यू शुड नॉट गेट बोर्ड ओनली विद द फिजिक्स ठीक है आई हैव टेकन केयर ऑफ दैट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी वी आर डेफिनेटली गोइंग टू लर्न नाउ वॉट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस क्लास इज वी आर गोइंग टू लर्न करेंट एंड वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट सर्किट किसको बोलते हैं सिंबल्स जो अलग अलग सिंबल्स होते हैं ना फॉर एग्जांपल आई आई डोनेट नॉट दिस आई गिव सिंबल एज अ ये बल्ब को देता हूँ मैं ठीक है सो कैसे कैसे और कौन से कौन से हैं जैसे दिस इज सेल और ये वोल्टेज मतलब ये का uh, ये क्या हो जाएगा ये बैटरी हो जाएगा ठीक है वैसे फिर ओम्स लॉ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ टुडे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इज समथिंग विल कम इन 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 ओम्स लॉ एंड देन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज डोंट वरी इफ यू डोंट नो एनीथिंग आई विल बी गिविंग यू आउट इन डिटेल्स फाइन सो देखो अभी देखो क्या करना है हमको करंट एंड वोल्टेजेस नाउ करंट एंड वोल्टेजेस सबसे पहले क्या होता है कि करंट and voltage now so पहले pehle i wanted to learn something about what is atomic structure now what is atomic structure an atom has a positively charged nucleus we all know agar aapko nahi pata to fine mai bata deta hu ki atom jo hai atom kaise hota hai ek positive nucleus hota hai aur uske side mein uske shells hote hain theek hai shells jisko hum k aur l m shell bolte hain suppose this is k this is l एक और होता है तो उसको एम बोलते हैं चार्ज एंड प्लस न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है जीरो मतलब कोई चार्ज नहीं होता उसका नाउ दिस हेयर इलेक्ट्रॉन कम्स इन टू प्ले यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स में दिस इज दिस आर इलेक्ट्रिकली नेगेटिव इलेक्ट्रिक uh, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन आइडियल एटम इन एन आइडियल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम टू प्रोवाइड सो दैट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हूँ ठीक है सो इफ यू डोंट नो दिस डेफिनेटली वी विल कवर इट इन दी केमिस्ट्री पार्ट और मैंने इसका वीडियो बना रखा है तो अगर आपने वो वीडियो देखा तो आपको सब समझ में आता होगा ठीक है ना चार्जेस चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड एट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना वॉट आर वैलेंसी इज आई हैव टॉट यू वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मेटल आर फ्री टू मूव विद इन द कंडक्टर एंड कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करेंट नाउ वॉट डू यू मीन बाई कंडक्टर विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी विच गिव द पाथ फॉर द इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो नाउ वॉट इज इंसुलेटर इंसुलेटर विच स्टॉप द मतलब कंडक्शन सो so, uh, जैसे कोई भी अगर तार है ठीक है उसके बाहर का जो कवर है यू हैव सीन यू हैव सीन दैट इन डिफरेंट कलर राइट आपने कोई भी तारों का उसका बाहर का जो देखा होगा ना आप वो आपने कलरफुल देखा होगा और उसके बीच में से तार जाता है ना दिस इज़ ब्लैक हाँ दिस इज़ ब्लैक ब्लैक जो तारें जा रही हैं अंदर से ठीक ना दिस इज कॉल्ड कॉल कंडक्टर अंदर वाला जो जिससे uh, जो से फ्लो होता है और बाहर का सो दैट इज देंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट एक्सिस्ट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ना यू हैव ऑलवेज हर्ड कि लाइक चार्जेस लाइक चार्जेस क्या करते हैं लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं ये तो आप जानते हैं ठीक है अट्रैक्ट करते हैं देखो ना ये पॉजिटिव एंड लाइक राइट अनलाइक चार्जेस नाउर लाइक चार्जेसि पार्ट और नेगेटिव एंड निगेटिव दे विल ऑल्सो रिपेल अ पार्ट सो इंट्रैक्शन बिटवीन दार्जेस पॉइंट नाउ what are conductors conductors and insulators a substance which offers comparatively less opposition to the flow of current is known as the conductor theek hai matlab wahi jo wahi to bataya maine which gives less opposition matlab मतलब, which gives the path to flow the charges charges कि जो flow में help करता है now what is चार्ज वॉट इज चार्जेस यू नो अगर पहले के video देखे होंगे आपने तो ठीक है नाव द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज कंडक्टर एंड ऑफर लार्जर ऑपोजिशन आर इंसुलेटर इसलिए बाहर की जो कवरिंग होती है ना ये सपोज अंदर तार बह रहा है जो बाहर की कवरिंग होती है उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं इंसुलेट करता है वो इंसुलेट ठीक है इंसुलेट करता है चार्जेस को बाहर आने से नाउ वॉट आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to that point. Potential difference between two points is defined as the difference of the electric potential at the two given points. For example, this, this is a conductor, okay? Now this is definitely a conductor. Now this is point A and this is point B. Now, if I want to find the voltage at this point, voltage at this point, so it will calculate from here to here. So that is called as the potential difference, okay? Or potential difference in a nutshell, you can say potential difference and voltage. पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस एज द सेम थिंग यू कैन कंसिडर दैट ठीक है सो मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट नाउ इलेक्ट्रिक करेंट आई विच इज डिनोटेड एज आई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट दैट इज आई टू क्यू बाई टीम नाउ आई इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम टू चार्ज क्या है क्यू और टाइम टी ठीक है और इलेक्ट्रिक करंट की जो एस आई यूनिट होती है एस आई यूनिट क्या है एम्पियर ठीक है एम्प्यर या फिर आप एम्प सुनते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं कोई एग्जाम्पल दूँ एम्प की तो आपके मोबाइल में स्मार्टफोन की बैटरी कितनी है स्मार्टफोन की बैटरी कितनी है आपकी uh, जैसे हम बोलते हैं ना फोर्टी फाइव हंड्रेड मिली एम्प आवर बैटरी ठीक है सो एम्पियर क्या है तो करेंट है वो सर जैसे आप देख देखे होंगे कोई पावर बैंक पावर बैंक

is a is called an electric circuit. Now closed loop definitely. Now look, this is never a closed loop because here there is something called as junction jahan connection nahi hai So this is called as open loop. Open loop. Now closed loop kisko bolunga main जो भी connected devices होंगे ना उसको हमें closed loop बोलूँगा definitely. ठीक है क्योंकि there is no मतलब कोई भी चीज़ सब चीज़ जुड़ी हुई है. ठीक है दर इज नो फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू सिंबल इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम नाउ इन द पाथ आई कैन हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स फॉर एग्जाम्पल आई गिव सम वोल्टेज ठीक है आई गिव सम वोल्टेज फ्रॉम बैटरी सोर्स ठीक है बैटरी सोर्स आई विल कनेक्ट द दमीटर ओवर हियर आई विल कनेक्ट द एमीटर सो सो हेज टू फाइंड द चार्ज कि कितना एम्पियर जा रहा है वहां से ठीक है आई विल कनेक्ट द बल्ब ठीक है सो सी की अगर करंट uh, जा भी रहा है कि नहीं आई विल कनेक्ट दी वोल्टेज कि मेरे को नापना है वोल्टेज ठीक है वोल्टेज नापना है मुझे और मैं थोड़ा सा रेजिस्टेंस डालूंगा इनबिल्ट होता है वो ठीक है तो रेजिस्टेंस सो दीज आर दीज ऑल आर कनेक्टेड टू टू द सर्किट डायग्राम सी दिस इज सेल कनेक्टेड वायर ठीक है और हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है ठीक है पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है अपना चार्जेस ना एम क्या है ये पॉजिटिव नेगेटिव है ठीक है पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा ना डेफिनेटली ये तो चार्जेस अपना सेल से तो ऐसे ही जाएगा ठीक है वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस ठीक है और कनेक्टिंग वायर दैट्स द पॉइंट देखो सिंबल ऑफ सम कॉमनली यूज कॉम्पोनेंट इन अ सर्किट डायग्राम अल अल सेल को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे आप सेल को रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज से देखो ये रहा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे मतलब एक ही ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है देयर इज सम गैप इसका मतलब ये नहीं कि ये ओपन लूप है नो इट इज दिस सिंबल फाइन इट इज दिस सिंबल नाउ अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी देखो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है ना देखो ऐसा 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 ठीक है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सो ये अपना लूप हो गया और ये बल्ब जलेगी ठीक है प्लग की और स्विच स्विच मतलब देखो ओपन है ये ओपन है नो डॉट डॉट इन बिटवीन सो दिस इज इज ओपन एंड इफ देन इट क्लोज लूप अ वायर ज्वाइंट नाउ देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वायर एंड इसके ऊपर से मुझे विदाउट टचिंग इट मुझे एक वायर डालना तो मैं इसको ऐसे करूंगा ऐसे सो दिस इज दिस दिस वायर वायर ए एंड वायर बी आर नॉट टचिंग टूगेदर नॉ इफ आई वॉन्ट टू टच इट आई हाउ एम आई गोइंग टू शो इट सो मैं सीधा क्वाइंट ज्वाइंट करा दूंगा और बीच में एक जंक्शन बना दूंगा सो वायर ए एंड बी आर टचिंग सो दैट इज द पॉइंट देखो ये बनाया हुआ ना सो ये दोनों और ज्वाइंट वायर क्रॉसिंग विदाउट ईच अदर सो देखो ये ऐसे किया हुआ ना सो मतलब दोनों एक के ऊपर एक है लेकिन टच नहीं कर रहे हैं ना इलेक्ट्रिक बल्ब सी दिस इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब और दिस सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू दिस एंड इफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मतलब जला हुआ है तो आप ऐसे कर देंगे जो हम करते थे ना दिस इज अ रेजिस्टर और रेजिस्टेंस ना वॉट इज रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन विच इज अप्लाइड फॉर एग्जाम्पल दिस इज रोड और रादर आपने देखा होगा कि इफ दिस इज रोड ठीक है दिस इज रोड एंड बीच में डिवाइडर है ना इफ आई वॉन्ट टू टेल यू कि आपके स्कूल से आपके स्कूल से आपके स्कूल से या फिर आपके कॉलेज से कॉलेज से घर तक आपके होम तक कितने स्पीड ब्रेकर्स है यू विल और ठीक है सो स्पीड ब्रेकर्स आर टू बी ब्रेकर ऑपोजिशन फॉर द रोड डेफिन इन सिमिलरली सिमिलरली रेजिस्टर आर कंसिडर्ड टू बी द ऑपोजिशन फॉर द वायर फाइन सो दैट इज द पॉइंट वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड रियोस्टेट नाउ वेरिएबल ना ये तो अपना ये ऐसे ऐसे जिग्जा लाइन हो गया ये तो अपना रेजिस्टेंट हो गया ना रेजिस्टेंस ऑफ सम एक मतलब एक वैल्यू है 5 ओम उसका जो जो यूनिट है वो ओम में हम मेजर करते हैं ठीक है ओम में ना अगर 5 ओम है ओम क्या है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ओम स्लॉ में पढ़ेंगे हम ना दिस इज फिक्सड दिस इज फिक्स ना इफ आई वॉन्ट टू वेरी अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ मुझे कितना चाहिए तो वो उसको रिहोस्टेड बोल देते हैं या फिर ऐसे साइन मार देते हैं ठीक है सो दैट इज द डिफरेंस कि जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर मेरे को पांच चाहिए तो पांच रख सकता हूं मेरे को 6 तो छे चाहिए तो छ रख सकता हूं या हजार चाहिए तो मैं हजार रख सकता हूं ठीक है ना दिस इज एमीटर एमीटर विच कैलकुलेट दम्पियर यानी करंट नाउ वोल्ट मीटर विच कैलकुलेट वोल्टेज इट्स लाइक दिस ठीक है आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये सारी चीजें सो रिवाइज इट वंस अगेन इफ यू आर नॉट अंडरस्टूड इट नाउ सबसे इंपॉर्टेंट नाउ वट इज ओम्स लॉ वट इज ohms law ohms law is something which is very important which when we were trying to study this electricity subject guys resistance and ohms law now what is ohms law the current flowing through a ohmic conductor okay ohmic conductor is directly pro pro proportional now i i is directly proportional to the applied potential difference that is v between the two ends of the conductor okay so i is directly proportional to the v ठीक है सो वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओम्स लॉ देखो ये वोल्टेज और ये करंट और ये स्ट्रेट लाइन दिया है तो इसको स्लोप दैट स्लोप इज गिवन बाय रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस आर ठीक है ना डेफिनेटली वी ऑल नो कि हमको प्रोपोर्शनैलिटीज साइन हटानी है सो वॉट आर वी गोइंग टू डू वी आर गोइंग टूट लाइक वी आर गोइंग टू रिमूव दिथ प्रोपोर्शनैलिटीज साइन बाय हाउ बाय इंट्रोड्यूसिंग सम काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट सो v इज इक्वल टू i r ना r इज द रेजिस्टेंस

and this is slope and there is no slope definitely fine that's the point now ohms law states that the voltage across a conductor is directly proportional to the flow of uh, current flowing through it provided all physical conditions and temperature remain constant mathematically the current and voltage relationship can be written as v is equals to ir fine now in the equation the constant of proportionality r is resistance and has unit ohm okay r is suppose 5 ohm now this is denoted as like this ऐसा ठीक है ओम तो आप जानते होंगे ओ एच एम ओम ओम स्लो नाउ आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर और आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई डेफिनेटली ट्रांस ट्रांसफर करके यहां से वहां इक्वल्स टू आई आर अगर मैं आर को इधर लेके आऊँ वी बाई आर इज इक्वल्स टू आई या फिर आई को इधर लेके आऊँ तो वी बाई आई इज इक्वल्स टू आर डेफिनेटली वही तो डेफिने सेम चीज है नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग The resistance now what are the factors affecting resistance and how they affect directly proportional resistance resistance is directly proportional to the length of the conductor and resistance is inversely proportional to the area of the con cross section now if this is the cross section uh, this is wire take care. so this is length length and this is cross section ka area take care, area now they both are r is directly proportional to the length and r is inversely proportional to the R is inversely proportional to the uh, area of cross section, area of cross section, cross section up as okay. a both area of cross section. Now, if I try to combine both, so what am I going to get? R is directly proportional to length by a. Now, again, I have to remove some constant of proportionality. No, not I I have to introduce constant of proportionality rather. So, what am I going to introduce? Rho L by A. Okay, rho L by A. ए सो ना वट इज रो दिस इज रो रो इसको हम आर एच ओ रो रो बोलते हैं दैट इज रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी इज रो ठीक है सो यह फॉर्मूला है अपना ठीक है सो ऑल्सो अफेक्ट और क्या है तो ये मेन फॉर्मूला गए तो ये भी याद रखना रो एल बाई ए ठीक है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ द कंडक्टर डेफिनेट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ द कंडक्टर ऑल्सो एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर ऑल्सो टेमप्रेचर पर भी इफेक्ट पड़ता है ठीक है नाउ सुपर कंडक्टर क्या होता है आर आर डू यू मीन सुपर सुपर कंडक्टर ऑफर जीरो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करेंट आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर नाउ डेफिनेटली हंड्रेड परसेंट जीरो रेजिस्टेंस नहीं हो सकता देर हैज टू बी सम एरर क्योंकि कोई भी कंडक्टर जो है हंड्रेड परसेंट प्योर नहीं होता इन फिजिक्स देर इज नो प्योर और हंड्रेड परसेंट और इन केमिस्ट्री देर इज नो हंड्रेड परसेंट देर हैजू भी नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट चलेगा बट देर विल भी जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट जो कि आपकी नहीं रहेगी मतलब जो एरर रहेगा ठीक है सो सुपर कंडक्टर इज टेंडिंग टू वर्ड जीरो आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर ना कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी इम्पॉर्टेंट टू रजिस्टर्स आर सेट टू बी कम्बाइंड इन सीरीज इफ़ दे कैरी द सेम करेंट ये चीज़ याद रखना गाइज ठीक है प्लीज याद रखना इस चीज़ को टू रजिस्टर्स आर सेट टू बी इन सीरीज अगर सीरीज में है तो देर उनके मतलब देखो जैसे ऐसे याद रखो सीरीज में है तो उसके सेम करेंट होंगे सेम करेंट और अगर पैरल होंगे पैरल होंगे तो उसके में जो है सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है इतना याद रखना बस

जो एंड वो आर टू के स्टार्ट में दोनों का सेम आर टू का एंड और आर थ्री का जो स्टार्टिंग दोनों सेम सो दीज थ्री आर इन सीरीज सो रेजिस्टेंस इन सीरीज नाउ रजिस्टेंस इन पैरल कैसे होगा तो मतलब देखो ये, ये एक ही चीज जो करेंट है वो डिवाइड हो रहा है ठीक है, so, एक ही करंट डिवाइड हो रहा है सो दीज ऑल आर इन पैरल ठीक है सो so, सारो का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम होगा मतलब एक ही पॉइंट पे स्टार्ट हो गए और एक ही पॉइंट में खत्म होंगे सो so, दिस इज ऐसा यहां से भी स्टार्ट हुआ यहीं से स्टार्ट हुआ ये भी और ये भी यहीं से स्टार्ट हुआ सो फाइन सो आर वन आर टू एंड आर थ्री ठीक है समझ में आ नाउ वी विल सम इक्वेशन ठीक है और रेजिस्टेंस इन सीरीज सीरीज में सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको सीरीज में याद रखना कि सीरीज में वी विल हैव सेम करेंट सेम करेंट सो बाय ओम्स लॉ बाय ओम्स लॉ व्हाट वी हैव व्हाट वी हैव एस वी इज इक्वल टू आई आर ठीक है सो वी इज इक्वल टू आई आर मतलब सेम करेंट होगा सो आई वन सो आई टोटल आई टोटल आई टोटल इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री ठीक है हालांकि हालांकि ये चीज़ आपकी आएगी ये चीज़ आपकी आएगी किसके लिए आ, ये आएगी, आएगी आपके पैरेलल के लिए ठीक है ये पैरेलल के लिए आएगी ठीक है लेकिन आपकी आएगी देखो जैसे सेम करंट है ना आई गेस आपको मैंने हाँ सही है देखो सीरीज मतलब सेम करंट हाँ तो यहाँ पर देखो अभी वी इजिक्वस टू आई आर ठीक है सो वोल्टेज तो सेम है अपना यहां पर से वोल्टेज तो सेम है तो V इक्विवेलेंट इज इक्व टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री ठीक है ये तो पैरल के लिए और ये इक्वेशन हमारी किसके लिए ये इक्वेशन हमारी है सीरीज के लिए ठीक है सीरीज के लिए क्योंकि वोल्टेज तो एक ही रहेगा सो so, V इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी V इक्विवेलेंट सो so, V इज इक्वस टू आई आर सो आई इक्विवेलेंट आर ठीक है टोटल रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस या फिर आर इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं तो वी वन क्या हो जाएगा अपना आई आर वन क्योंकि आई तो सेम है ठीक है तीनों के लिए आई करंट सेम है तो वी टू दैट इज थिंग वही तो बताया ना मैंने सेम करंट और वी टू इज इक्वल टू आई आर टू एंड वी थ्री इज इक्वल टू तो आई आर थ्री सो so, वी इज टू आई आर राइट सो so, आई इक्विवेलेंट और आई कंसिडर कर सकते आई तो सेम है ना तो ये इक्विवेलेंट नहीं आएगा तो आई इज टू सो ये इक्वेलेंट नहीं आएगा तो आई वी और वी इजक्स टू आई आर राइट तो आर आर इक्वेलेंट इज इक्व टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री सो वॉट आई हैव आई डन आई हैव नथिंग लाइक वी इक्वलेंट की जगह आई आर इक्वेलेंट डाला है वी वन की जगह मैंने आई आर वन डाला वी टू की जगह आई आर टू डाला है वी थ्री की जगह आई आर थ्री डाला है ठीक है ठीके? समझ में आया इतना तो अभी देखो मैं अगर कॉमन निकाल के काटना चाहूँ इधर सो आई आर इक्वेलेंट इज इक्व टू आई कॉमन निकाल लूँ तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री ठीक है सो आई से आई कैंसिल तो आर इक्वेलेंट मेरा आया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री दिस इज माई इक्वेशन फॉर फॉर डेफिनेटली फॉर सीरीज रेजिस्टेंस सीरीज ऑफ रेजिस्टर रेजिस्टर ठीक है सो दैट्स द पॉइंट सो इनशियल हमारा क्या आया फॉर्मूला क्या आया अपना हमारा फॉर्मूला आया इन सीरीज इन सीरीज ऑफ रेजिस्टर्स रेजिस्टर्स आई हैव आर आर इक्र इक्वल टू आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री ठीक है सो दैट्स द पॉइंट फाइन सो अभी देखो हम निकालेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल सो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में मैंने क्या बोला था पैरेलल में पैरेलल में मैं, मैं बोला था कि उसमें सेम वोल्टेज होगा वोल्टेज सेम होगा फाइन सो वोल्टेज सेम होगा तो क्या होगा वी इज इक्व टू आई आर बाय ओम्स लॉ ओम्स लॉ फाइन सो बाय ओम्स लॉ वी इज इक्व टू आई आर ये हमने देखा है फाइन ना यहाँ तक समझ में आया ना अभी देखो ओम्स लॉ ओम्स लॉ ठीक है सो वी इजक्व टू आई आर सो वोल्टेज सेम रहेगा ठीक है तो so, V बाई आर इज इक्व टू आई देखो ना यार करंट यहाँ पर देखो करंट यहाँ पर I1 जा रहा है करंट यहाँ पर I2 जा रहा है करंट पर I3 जा रहा है ठीक है करंट यहाँ पर I3 जा रहा है ना सो so, मेरा क्या होगा I इक्वेलिट इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री ठीक है, so, वही तो बात है ना सो so, आई और आई uh, इक्वेलेंट किसकी वैल्यू हो जाएगी वी वी वोल्टेज तो सेम है वी बायर टू वी बाई आर वन आई टूस टू वी बाई आर टू एंड आई थ्री इज इक्व टू वी बाई आर थ्री ठीक है सो ये हुआ तो ये सारी चीजें मैं इसमें पुट कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे वी बाय आर इक्वेलेंट इज इक्व टू वी बाई आर वन प्लस वी बाय आर टू प्लस वी आर थ्री ठीक है सो so मैं V कॉमन निकाल लूंगा आर एच एस से तो वी वन बाय आर वन प्लस ठीक है सो so V से V तो वी कैंसल सो दिस इज माई फाइनल इक्वेशन फाइनल इक्वेशन फाइन the point. सो so now, नाउ what एम आई ट्राइंग टू टेल यू इज नाउ फॉर example, इफ there आर टू रेजिस्टेंस इन parallel, सो so what और यहां पर गाइज आपको वन बाय आर इक्वेलेंट की वैल्यू इज दुला ठीक है इट्स नॉट आर इक्वेलेंट की अनलाइक द प्रीवियस ठीक है अनलाइक प्रीवियस अपने पास क्या था अपने पास यहां पर कहा गया यहां पर था ना देखो अनलाइक इट इज आर इक्वलेंट दिस इज आर इक्वलेंट की वैल्यू ठीक है सो दिस इज दिस इज समथिंग एल्स फाइन सो आर इक्वलेंट की वैल्यू यहां पर क्या है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री है बाय वॉट किस में इन सीरीज में ठीक है इन सीरीज में लेकिन इन 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 द वन बाय आर इक्वलेंट की वैल्यू मिली है मुझे सो व्हेन द आर वन एंड आर टू देर आर टू ओनली टू सो वन बाय आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू तो इस हिसाब से मैं क्या करूंगा कि वन बाई आर इक्वलेंट को मैं दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा सो एट दिस टाइम ना आई नीड टू इनवर्स इज बोथ द सिचुएशन सो क्या हो जाएगा आर इक्वलेंट इज इक्वल टू आर वन आर टू बाय आर वन प्लस आर टू ना दिस इज अ केस वन ओनली देयर आर टू रेजिस्टेंस नाउ एट दिस टाइम व्हेन आई हैव थ्री रेजिस्टेंस देन आई हैव टू मल्टीप्लाई और मतलब इसको वैल्यू पुट करके ही निकालना पड़ेगा एंड देन लास्ट में जाके मुझे इनवर्स करना पड़ेगा सो so, यहां तक सम, यहां तक समझ में आया अभी देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देर आर सम फॉर्मूलेस पी इज इक्व टू वी आई सबसे पहले पी इजो टू वी आई ये फॉर्मूला याद रखना आई के जगह पर मैं कोई फॉर्मूला रखू तो पी टू सबसे पहले स्लाइड में हमने पढ़ा था Q आई टी सो ये पहला फॉर्मूला हो जाएगा हमारा H इज टू वी आई टी हमारा एक फॉर्मूला है ठीक है वी के जगह मैंने आई आर रख दिया तो आई आर आई टी सो क्या हो जाएगा एच इज टू आई स्क्वायर आर टी

दैट इज वॉट आई हैव डन फॉर माई सेल्फ आई सराउंडल्फ माई सेल्फ विथ मोर एंड मोर क्वेश्चन आप अगर मेरे कम्युनिटी टैप पे अगर यूट्यूब के कम्युनिटी टैप पे कम्युनिटी टैब पे जाके देखेंगे तो हर रोज वहां पर क्विज डाल रखे हैं मैंने ठीक है सो यू कैन गो देर एंड आर आंसर एवरीडे क्वेश्चन ना इंस्टाग्राम पर क्यों फॉलो करना लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ठीक है इंस्टाग्राम को विनर्स विनर्स गाइड सो यही लोगों लगा हुआ है ठीक है प्राउड ऑफ इट सो विनर्स गाइड के चैनल को आपको फॉलो इसलिए करना है क्योंकि डेली डेली थ्री पोस्ट थ्री पोस्ट अपलोड होते हैं अपलोड होते हैं जी के इंग्लिश एंड नोट्स के होते हैं हिस्ट्री के नोट्स और कभी कभी आपके हो जाएंगे मैथ्स तो हमेशा होते हैं ठीक है सो यू कैन गो इन द कमेंट बॉक्स देयर एंड ट्राई टू फॉलो आस ठीक है और कमेंट बॉक्स में जाके आप वहाँ पर कमेंट करके डिस्कस भी कर सकते हैं इसलिए एंड आई विल बी ऑल्सो देर मैं आंसर रिप्लाई करता हूँ सबके ठीक है और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं ठीक है सो आई थॉट की आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड योर पेशेंस हैव अ गुड डे बाय